नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक ठंड का प्रकोप है। मौसम विभाग ने जारी किया है बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ के लिए चेतावनी जारी की गई है। 21 से 24 जनवरी तक प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की आशंका मौसम विभाग ने जाहिर की है। मौसम बदलने से जोशीमठ में राहत बचाव कार्य में परेशानी हो सकती है। वहां पर राहत बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और अगर मौसम में तब्दीली होती है, बर्फबारी का दौर शुरू होता है तो राहत बचाव कार्य में दिक्कत सामने आ सकती है। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर के मैदान तक ठंड का प्रकोप आने वाले दिनों में दिखाई देगा। मौसम विभाग ने इसको लेकर बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ के लिए चेतावनी जारी की गई है। 21 से 24 जनवरी की तारीख बताई जा रही है जब पूरे उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई गई। मौसम बदलेगा तो इसका असर जोशीमठ में जो राहत बचाव कार्य चल रहे हैं उसमें दिखाई देगा। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। वहाँ पर जो टीमें लगातार जुटी हुई है राहत बचाव कार्य के लिए उनको दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा चमोली बताया जा रहा है जहां पर बारिश कई हिस्सों में, कहीं पर बर्फबारी, और उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ के अलग अलग इलाकों में लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर चल सकता है आने वाले दिनों में। ये आशंका जाहिर की है मौसम विभाग ने। तो देखिए बड़ी खबर, मौसम में लगातार तब्दीली, ठंड लगातार बढ़ रही है, तापमान में गिरावट जिसका असर मैदानी इलाकों में दिखाई दे रहा है। अगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू होती है तो इसका सीधा असर मैदान पर भी पड़ेगा। एक बड़ी खबर भदोही से है। भदोही में एक लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नाबालिग लड़की अपने घर के पास खेत में शौच करने गई हुई थी और उसी दौरान घात लगाकर बैठे एक तरफा प्यार करने वाले सनकी ने लड़की को गोली मार दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस वहां पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की। बताया जा रहा है कि आरोपी ने हत्या के बाद मृतक की बहन को जान से मारने की धमकी दी और वहां से भाग गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश लगातार कर रही है। भदोही से यह खबर है जहां पर नाबालिग लड़की अपने घर के पास खेत में गई हुई थी, उसी दौरान घात लगाकर बैठे एक तरफा प्यार करने वाले सनकी ने उसको गोली मार दी और पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस वहां पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लिया गया, जांच पड़ताल शुरू की गई। बताया ये जा रहा है कि आरोपी ने हत्या करने के बाद मृतक की बहन को भी जान से मारने की धमकी दी और फिर वहां से वो फरार हो गया। एक 18 साल के आसपास की एक बच्ची जो है उसको खेत में, गांव के पास ही खेत में गोली मार दी गई है। तुरंत पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और हम सब लोग और फील्ड यूनिट जो हमारी फॉरेंसिक टीम है वो भी घटनास्थल पर है। उसमें बच्ची और उसके परिवार की एक और बच्ची थी, ये दोनों सोच के लिए खेत में शाम के समय आई थी और कुछ इसमें संदिग्ध कुछ नाम सामने आए हैं, उनके दबिश के लिए गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र गिरफ्तारी करके सख्त कार्रवाई की। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।